तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का खुनवा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों किसानों ने कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों का त्रस्त होकर रामनगर रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। साथ ही कार्यालय में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत जमकर नारेबाजी की। बता दें, काशीपुर के आम आदमी पार्टी कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह ने बताया कि देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को किसानों पर लागू कर नहीं थोपा है। काशीपुर और बाजपुर विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने 20 साल कांग्रेस और बीजेपी को उत्तराखंड में और केंद्र में भी देख चुके हैं। दोनों की नीतियाँ ही लोगों को बर्बाद करने वाली हैं। अगर कांग्रेस आज कह रही है कि हम आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने किसानों को MSP क्यों नहीं दी? अगर वही MSP कर देते तो आज हम MSP से लड़ाई नहीं लड़ते ना। वहाँ 3 कानूनों के लिए वहाँ बैठे हैं, कौन साथ दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। आप यहाँ बता दिए यहाँ क्या हो रहा है। किसान दुखी हैं सारे सारे, इसलिए आके वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकता। अगर कांग्रेसी ये बता दें चुनाव लड़ने के बाद, अगर किसी गाँव में वो आज तक गए हैं घूमने, किसी उन्होंने आदमी से पूछा है कि आप 5 साल में आपको क्या समस्या हुई, अगर हमने कांग्रेस को वोट दिया था तो कांग्रेस का फर्ज बनता था, चाहे सरकार बनी थी या विधायक जी जीते थे या नहीं जीते थे, लेकिन हमारे पास तक तो आते ना, हमसे हमारी परेशानियां तो पूछते, लेकिन आज तक हमारे घर तक कोई नहीं पहुंचा है वोट पड़ने के बाद में। अगर कल फिर हम ऐसे वोट लेके और 5 साल हमें फिर भूल जाना, तो हम क्यों देंगे वोट उन्हें? हम वोट उन्हें देंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे, जो हमारी परेशानियों में साथ खड़े हैं, जो हमारे अच्छे बुरे में साथ खड़े होंगे, हम उनके साथ जाएंगे। उनके साथ नहीं जाएंगे जो हमारे वोट लेके जाके देहरादून बैठ जाएंगे। लगातार हर काम से, हर जाति से और हर क्षेत्र से समर्थन मिलता चला जा रहा है। आम आदमी का पार्टी का परिवार, आपका कहना बिल्कुल सही है, लगातार बढ़ रहा है, जिससे हमारे हौसले भी बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो बहुत समय के बाद देखने को मिली कि लोग अपने आप से पार्टी कार्यालयों में पहुंच रहे हैं और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। रही 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात, 300 यूनिट बिजली पर जनता वास्तव में पहले से बिजली को लेकर बहुत परेशान थी। जैसे जैसे कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उत्तराखंड की बहुत सारी विधानसभाओं में 10,000 से ऊपर प्रति विधानसभा, 10,000 परिवार से ऊपर प्रति विधानसभा पहुंच चुका है टारगेट, जो अचीव हो गया है। काशीपुर में आज हम लगभग 18,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अब तक, और अभी भी लगातार कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर पहुंच रहा है।